नमस्कार, आज हम क्या है हमारा एक्शन कैमरा है उसके बारे में बताने वाले हैं। एक्शन कैमरे का नाम एस जे कैम 10X है। तो इसके क्या फीचर्स हैं और इसकी अनबॉक्सिंग के बारे में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि जब कैमरा लें तो उससे पहले इसकी ऑथेंटिसिटी जो है उसको चेक कर लेना चाहिए। तो देखिए, इसमें एक QR कोड है, उसके नीचे एक सिल्वर लाइन का आप देख सकते हैं, सिल्वर स्क्रैच एंड चेक ये है। तो इसको हम बाद में चेक करके दिखाएंगे, सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है और क्या क्या आइटम इसके अंदर निकलने वाले हैं, तो अनबॉक्सिंग करने से पहले देखिए, हटा लेते हैं हम इसको और अनबॉक्सिंग का पूरा जो है दिखा देते हैं। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले ऐसा व्यू देखने को मिलेगा आपको खोलते समय, और इसके अंदर आपको एक कैमरा मिलने वाला है। जो कैमरा है वो इस तरीके का होने वाला है। और कैमरे में यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके का बटन है, इसको बटन को दबाने के बाद ये कैमरा प्रॉपरली जो है चालू हो जाता है। तो कैमरे को सबसे पहले हम चालू कर लेते हैं, उससे वीडियो आगे बढ़े उससे पहले हम कैमरे को चालू करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, हमने बटन दबा दिया है और दिखाना चाहेंगे आपको स्क्रीन की। देखिए, कैमरा जो है पूरी तरीके से चालू हो चुका है। और आगे से हम आपको यहाँ भी दिखाना चाहेंगे, इसमें एक बत्ती है तो वो जो है ग्रीन चालू हो गई है। और सबसे बढ़िया जो इस कैमरे का फीचर है वो ये है कि आप इसको लेंस को और जो कैमरे होते हैं उनमें लेंस को हटा नहीं सकते, इसमें आप प्रॉपरली लेंस को जो है अलग कर सकते हैं। या फिर अमूमन तौर पे क्या होता है कि जो है कैमरे को काम में लेते समय ये लेंस का आगे का जो हिस्सा है वो टूट जाता है, तो आपको पूरा की पूरा जो है लेंस बदलना पड़ता है, कैमरा बदलना पड़ता है। तो इसमें इस तरीके का दिया हुआ है तो आप इसको आराम से खोल सकते हैं और आराम से यूज ले सकते हैं। तो इसके डिब्बे पर जो भी इसके स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। डिब्बे पर लिखा है 4K 24 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग, 24 फ्रेम पर सेकेंड में ये रिकॉर्ड करने वाला है, और जो आपकी वीडियो है 4K की होने वाली है। और इसके अलावा आपका ये जो कैमरा है फुल्ली वाटरप्रूफ है, इसको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ़ोन कैमरा है वो फुल्ली वाटरप्रूफ है, और इसके अंदर जो है 1300 mAh की बैटरी आपको मिलने वाली है। बात करें इसके टच स्क्रीन की तो 2.33 IPS टच डिस्प्ले इसका है, और इसका सबसे बढ़िया जो फीचर है वो स्टेबलाइजेशन है। कई बार क्या होता है कि हम वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो में स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, और स्टेबलाइजेशन के चलते वीडियो जो है हमारी इधर उधर ब्लर करती है, फिर इधर उधर हिलती है। तो स्टेबलाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया इसमें फीचर दिया हुआ है। और अगर बात करें कैमरे की तो इसमें आप फोटो भी अच्छे तरीके से खींच सकते हैं। 20 MP का इसके अंदर कैमरा है, और हमने आपको सबसे पहले बता दिया था कि इसका जो है ऑथेंटिसिटी जो है कैसे चेक करें। देखिए, यहाँ पे QR कोड है, आपको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद इसको स्क्रैच करना है। देखिए, स्क्रैच कर रहे हैं हम, तो देखिए ये हमने स्क्रैच किया है, और स्क्रैच करने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरीके के नंबर हैं वो आपको दिखने वाले हैं। और इसको आप वेबसाइट पे जब अपलोड करेंगे तो आपको आराम से इजीली इसकी जो है ऑथेंटिसिटी की एस जे कैम की वो है आपको चेक हो जाएगी। और इसके अलावा जो इसके अंदर फीचर्स के बारे में बात कर ली हमने, और हम इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है वो भी बॉक्स पे लिखा हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कैमरा है, कैमरा हमारे हाथ में है, ये कैमरा हमको मिल चुका है। उसके बाद में फ्रेम माउंट है, वो हम अंदर चेक कर लेते हैं क्या क्या इसके अंदर निकला है। अभी हमने इसको ऑनलाइन डिलीवरी करके मंगाया है। ये देखिए, ये तो है इसका लोगो है कि आप चिपका सकते हैं, इसका ऐड कर सकते हैं इससे। और ये लेंस को साफ करने के लिए कपड़ा आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और हम बात कर रहे थे माउंट प्लेट की, ये देखिए ये प्लेट है, और जो हेलमेट के ऊपर चिपकाने वाली प्लेट है ये वो प्लेट है। और बात करें इसके अंदर जो है ये माउंट प्लेट है, दूसरी माउंट प्लेट जो कैमरे के नीचे लगाई जाती है। और कैमरे को आप देखिए कि पूरी तरीके से कैमरा जो है कवर्ड है, ये पूरा कैमरा है जो इसमें अच्छे से कवर्ड है। और ये देखिए, आप जब हेलमेट का यूज़ करते हैं तो उसमें माउंट प्लेट किस तरीके से लगेगी, तो उसके लिए भी इसमें पूरे जो है आप देखेंगे कि एक रेंज का कैमरा देख रहे हैं, सस्ती रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी वाला और एक जो अच्छे फीचर्स वाला कैमरा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ये हो सकता है। और ये देखिए, चार्जिंग के लिए आपको डाटा केबल भी इसके अंदर दी गई है, डाटा केबल दिखाने की, ये डाटा केबल है, चार्जिंग के अंदर चार्ज करेगी इसको। और इसका जो चार्जिंग है कम से कम 4 से 5 घंटे चलने वाला है, जो कि एक वीडियो बनाने वाला या फिर ब्लॉगर होता है उसके लिए काफ़ी होता है।
हमने इसको एक ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करने के पर्पज़ से इसको ख़रीदा है। और अगर बात करें इसकी तो पूरी तरीके से ये जो है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद कैमरा हो सकता है। और अगर आप एक सस्ती रेंज में अच्छा कैमरा ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपरली अच्छा कैमरा साबित हो सकता है। तो ये थी हमारी वीडियो। इसके जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ऐप है, इस पे डिब्बे पे ही दिया हुआ है इसका ऐप, जो आप आराम से इजीली प्ले स्टोर या फिर अगर आपके पास एप्पल है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर बात करें फीचर्स की तो फीचर्स इसके काफ़ी बढ़िया हैं और इसके रिव्यू जो हैं ओवरऑल हमने इंटरनेट पर चेक किया है, रिव्यू भी काफ़ी शानदार हैं इसके रिव्यू। और अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में आपको इसकी क्वालिटी का पता यूँ नहीं लग पाएगा क्योंकि इसके अंदर अभी मेमोरी कार्ड नहीं है। मेमोरी कार्ड होने के बाद हम इसकी वीडियो क्वालिटी को भी चेक करवाने वाले हैं। तो ये हमारा एस जे कैम कैमरा है जो हमने आज ही परचेज़ किया है और इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए क्योंकि हो सकता है कि आपका दोस्त सस्ती रेंज में एक अच्छा कैमरा लेने की सोच रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मार्केट में जाए और एक महंगा कैमरा लेके आ जाए जिसमें इतने सारे फीचर्स भी नहीं हो। तो अगर आप एक सस्ता कैमरा देख रहे हो, बहुत सारे फीचर्स जिसके अंदर हो, वाटरप्रूफ हो, अच्छी बैटरी हो और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर खासियत हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये कैमरा आपको कम से कम खरीदना ही चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अनबॉक्सिंग की। मिलते हैं अगली वीडियो में।